नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक व्यूवर से जिनका ये कमेंट आया है कि सर मान लीजिए हमारी जो मंथली एसआईपी है हम उसको बंद कर दें और हमारा जो लमसम है उसको मंथली की तरह हम पे करें जैसे हम एसआईपी पे करते हैं, तो सर ये कंसेप्ट सही रहेगा या नहीं? बिकॉज क्या होता है, अगर हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में एक फिक्स डेट होती है जिससे क्या होता है मार्केट डाउन हो या अप हो उस टाइम पे हमको पेमेंट करना ही पड़ता है। लेकिन बात आती है सर लमसम की, लमसम हम उस टाइम कर सकते हैं जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, तो क्या सर यहाँ पे ज्यादा रिटर्न हमको देखने को मिलेगा या सर सही कंसेप्ट क्या रहेगा? तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। अगर इस तरीके से आप सोचते हो तो यहाँ पे भी एक दिक्कत परेशानी है जो फ्यूचर में आपके इन्वेस्टमेंट को खत्म कर सकती है, इसलिए 2 मिनट निकाल के कंप्लीट वीडियो को वॉच करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपल यहाँ पे हम चलेंगे हमारे व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला कंसेप्ट यह था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब था कि सर अगर हम एसआईपी कराते हैं, जैसे मान लीजिए एसआईपी दो तरीके से होती है, एक होती है ऑटो पे से और एक होती है मैनुअली। आपने कोई सा भी करा रखा हो, जैसे मान लीजिए आप मैनुअली एसआईपी पे करते हो, आपने फिक्स कर लिया कि हर महीने की 2 तारीख को मैं एसआईपी पे करूंगा। अब मान लीजिए मैनुअली एसआईपी है तो उसमें 3 से 5 दिन की आपको ड्यू डेट मिलती है। मान लीजिए अगर इस दिन के अलावा, जैसे मान लीजिए 2 तारीख की ड्यू डेट है, तो 2 से लेकर मान लीजिए आपको 5 तारीख तक का टाइम मिला, अगर इस डेट के बीच में भी अगर मार्केट डाउन नहीं रहता है फिर भी हमको हमारी एसआईपी तो पे करनी है, तो भी हमको यहाँ पे कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये सोच रहे हैं कि सर मान लीजिए हमारी जो एसआईपी है हम एसआईपी ना करें और लमसम कर दें, जैसे एसआईपी अगर हम 2000 रुपए की करते हैं तो ये 2000 रुपए का हम लमसम करें मंथली बेस पे, हम देखें मंथ में किस दिन मार्केट डाउन लग रहा है उस दिन हम क्या करेंगे लमसम कर देंगे, जिससे कम मार्केट क्रैशिंग के टाइम कम एनएवी पे हमको ज्यादा से ज्यादा यूनिट अलॉट होंगे। तो देखो ये कंसेप्ट आपका सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। यहाँ पे आपको एडिशनल बेनिफिट देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या मार्केट क्रैशिंग के टाइम में करोगे तो एनएवी प्राइस कम रहेगा, यूनिट ज्यादा अलॉट होंगे, यहाँ से ज्यादा यूनिट आपको यहाँ पे अलॉट होंगे लमसम में। लेकिन एक दिक्कत परेशानी है कि क्या होगा दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड की एक सच्चाई और है जिसको आपने देखा ही होगा। जब भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका टारगेट ही कि भैया म्यूचुअल फंड के अंदर मुझे 30 साल के लिए पैसा निवेश करना है, ठीक है, अब आपने कोई सा भी एक पर्टिकुलर फंड ले लिया। अब जैसे मान लेते हैं हम जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक टाइम था जब वो फंड लॉन्च हुआ था उस टाइम वहां पे एसआईपी भी होती थी लमसम भी होता था, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे फंड की ग्रोथ बढ़ती है, जैसे जैसे उसका एयूएम साइज बढ़ता है, तो फंड मैनेजर क्या करते हैं वहां पे कोई पाबंदी लगा देते हैं कि यहाँ पे आप लमसम नहीं कर सकते हो, यहाँ पे इतने अमाउंट की आप एसआईपी कर सकते हो। आप मान लीजिए खुदा ना कास्ता आप जिस फंड में लमसम करने की सोच रहे हो, मान लीजिए टारगेट 30 साल का है, 10 साल तक आपने लमसम करा, फिर 10वें साल बाद मान लीजिए आपका जो पर्टिकुलर फंड है उसका एयूएम इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ जाता है और फंड मैनेजर ये करते हैं एएमसी बोल दे कि भैया यहाँ पे लमसम निवेश बंद है, उस टाइम आप क्या करोगे? उस टाइम तो क्या करोगे, बस आपका निवेश 10 साल का हो गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इससे बेटर कंसेप्ट ये है आपको आपकी जो 2000 की एसआईपी का लमसम करना है वो लमसम प्रॉपर तरीके से करो, लेकिन 2000 का मत करो। आप यहाँ पे क्या करो, लमसम कर दो 1900 रुपए का, ठीक है, आपका 2000 का टारगेट है तो 1900 रुपए का लमसम कर दो और जो 100 रुपए बचे हैं ना आपके, वो 100 रुपए की क्या कराओ, आप एसआईपी चलाओ उस पर्टिकुलर फंड में। अब एसआईपी क्यों चलाओ, एसआईपी इसलिए चलाओ क्योंकि फ्यूचर में जाके अगर एएमसी लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर देती है तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि भैया हमारी 100 रुपए की एसआईपी चल रही है, उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि लमसम तो कर नहीं पाएंगे, तो हमारी जो 100 रुपए की एसआईपी है ना हम उसको इंक्रीज कर देंगे, जैसे 100 की जगह हम उसको वापस से 2000 कर देंगे, 3000 कर देंगे, जिससे हमारे जो टारगेट था कि मुझे 30 साल तक निवेश करना है वो इजी मूवमेंट पे आप कंटिन्यू रख सकते हो। तो ये कंसेप्ट सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं था, वो मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अगर आप लमसम करने की सोच रहे हो एसआईपी की जगह तो इस तरीके से प्लानिंग करो जिससे फ्यूचर में आपको दिक्कत परेशानी नहीं आए। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।